जैसे कि मान लीजिए 9, 5, 3, इसको हमने भाग करना है एक अंक की संख्या से। जैसे कि संख्या ले लेते हैं 4, इसके लिए 4 का पहले टेबल हमें आना चाहिए, 4 का टेबल यहाँ पे लिख लेना चाहिए हमें, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20, 4 गुना 6 24, 4 गुना 7 28, 4 गुना 8 32, 4 गुना 9 36, 4 गुना 10 40। 4 का टेबल लिखना है, उसके बाद देखना भी किस पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अभी 9 है, ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, ऊपर 2 लिख लेना है, नीचे 8, 9 में से 8 गया 1, ये 5 को नीचे उतार लेना है, फिर यहाँ पे संख्या आ गई 15, ठीक है। अब देखो 15 किस पे जाएगा, 16 है नीचे 4 की संख्या, ये 3 पे जाएगा, 3 4 किए 12, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 0, ऊपर से 3 को उतार लिया, फिर कितने में जाएगा देख लेना यहाँ पे अपने टेबल के में, देख लेना कितने में जाएगा, 32 है, कितने पे 8 पे, 8 चौक 32, ये कितनी संख्या आ जाएगी, 3 में से 2 गया 1, 0 का 0, अब संख्या है कोई नहीं है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, ये 0 नीचे आ जाएगी, नीचे 0 आ गई, फिर कितने पे जाएगा, फिर 2 पे, 4 दूनी 8, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गए 2, 2 बच गया, फिर एक और 0 लगा लेनी है, नीचे लेके आनी है 0 को, कितना गया 20, अब देखना है कितने में जाएगा, 20 5 पे, 5 लगा देना है, ये 5 चौक 20, 20 के साथ 20 कट गया, अपना आंसर आया 238.25, ठीक है। ये अपना आंसर है, 3 डिजिट की संख्या को 1 डिजिट के साथ डिवाइड करने पर अपना आंसर आता है 238.25। ओके, थैंक यू।